गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज डेट है 5 तारीख, सफ़र है कहीं बाहर का, मैं आपको बताऊं आगे। सो बस सफ़र अधूरा रह गया किसी कारण से, अभी सफ़र में नहीं है, मैं दिखाऊंगा सफ़र कैसा रहेगा आगे यार। सो 5 बजे जाना था तो अब 6 बजे जाएंगे, वो आगे आपको जाके पता चल जाएगा। सो वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी 3 बज रहा है, बैग लगाना रेडी होना है, सो तब तक बच जाएगा 5। सो मिलता हूँ आपको आगे। और क्या भाई, आगे बढ़ो, आगे कुछ देखो, मुझे मत देखो। और कल की वीडियो लगा रखी है, वो आई बटन में क्लिक करके जरूर देखे, बता कैसा था वो वाला ब्लॉग, परसों का था सॉरी। सो मिलते हैं आपको आगे। सो अभी निकल आए हम लोग घर से बाहर, शाम को काफ़ी अच्छा व्यू आता है क्योंकि हम लोग कहीं जाना था। सो मिलते हैं आपको आगे। सो स्टेशन पर आ चुके हैं और मेरा ट्रेन मुझे जाना है मौसी के अहमदाबाद। सो ट्रेन नंबर है 01905 जो कि डिले चल रही है करीब करीब 2 घंटे। अभी वैसे 6:30 हो चुका है, आधा घंटे बाद ट्रेन आएगी और बस वेट कर रहे हैं उसका। मैं वीडियो पहली बार स्टेशन सही से शूट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसी एजिटेशन है। सो मिलता हूँ आपको आगे सफ़र पे। सो अभी ट्रेन आएगी तब उसके बाद आपको मिलता हूँ डिपार्चर के टाइम पे। सो ट्रेन हमारी आ चुकी है, V5 का इसमें इंजन लगा हुआ है, इसमें ICF कोच है जो काफ़ी झटके देते हैं। और सीट पर हम लोग बैठ चुके हैं, फिर मम्मी का वेट कर रहे हैं, बस आने वाली थी। ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये ICF कोच है यार, काफ़ी झटके से आते हैं इसमें। सो बैठ चुके हैं सीट पर और कुछ ही पल में टुंडला पहुंचने वाले हैं और रिकॉर्ड नहीं किया डिपार्चर के टाइम पर टावर से। भीड़ी इतनी थी यार, मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि घर से मम्मी भी आई हुई थी, यदि टाइम मिला तो टुंडला में शूट करूँगा, नहीं तो फिर अगली मॉर्निंग रतलाम। वैसे मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, सो मिलता हूँ आपको आगे। अंकल जी का शूट एंड में हुआ बिल्कुल, जब अंकल जीने से आ रहे थे भागते हुए, वो दृश्य अलग था और ये दृश्य अलग है। बस ये टुंडला को स्क्रिप कर रहे हैं हम लोग, बस अंकल एकदम लेट हो गए थे सो स्क्रिप कर रहे हैं, और ये डिपार्चर का बिल्कुल टाइम है, एंड टाइम पर ये अंकल आ पाए थे और ये डिपार्चर कर रहे हैं हम लोग टुंडला जंक्शन को। इसके बाद टुंडला के बाद आगरा फोर्ट रुकेगी, उसके बाद आप मिलेंगे फतेहपुर सीकरी। और ये कुछ डिस्टेंस हैं, ये टुंडला जंक्शन क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। इतनी बात हो गई, हम लोग की एंट्री हो रही है रतलाम जंक्शन में, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है अहमदाबाद को जोड़ने के लिए। सो तो आ चुके हैं रतलाम जंक्शन पे और वक्त हो रहा है 7 बजे जा रहे हैं, और वक्त वैसे था यहाँ पे आने का 5:30 का, करीब करीब 1.5 घंटे लेट है, उससे पहले आ चुके हैं। और ठंडी बहुत है यार यहाँ पे तो, और यही कहा सर्दी में अच्छे कपड़े पहन के हफ्ते पूरा फिट है, अच्छी नहीं लग रही है मुझे। देखते हैं यहाँ चाय लेते हैं और मिलते हैं आपको आगे डिपार्चर के टाइम पे। पानी फिल किया जा रहा है वैसे तो अभी तो, और रतलाम कट रहा है। रतलाम स्टेशन में डिजिटल शेयर बनाने की कोशिश की गई है जो कि लाइट से फिलिंग की गई। बस मॉर्निंग आने का वेट कर रहा था कि कब, सोच रहा था कब ये ऐसे टर्न आएंगे,
वो मौका अभी आ चुका है टर्न लेने का। इस टाइम पे बहुत पूरा ट्रेन दिखता है आगे से लेके पीछे तक का। सो पीछे का सूट नहीं हुआ है, आगे का हुआ है। सो इसमें कर्व अच्छे थे, काफ़ी अच्छे ट्रैक में काफ़ी अभी कर्व आ रहे थे। और ये कोई स्टेशन था, कुछ देखने की कोशिश कर रहा था कुछ अलग दिखे, बस मॉर्निंग में धूप कम थी ये दिखा रहा था सब पेड़ पौधे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ऑफ साइड। अभी आ चुके हैं छायापुरी रेलवे स्टेशन पर एक्चुअल, और काफ़ी टाइम हो चुका है, 10:15 बजने जा रहा है और लेट हो गए काफ़ी। सो हाँ, एक पे आ चुके मैं, आउटर में था साइड में अपोजिट साइड। एक रिवर मिली है, माही रिवर, माही रिवर, क्या रिवर का नाम है, माही रिवर। कोई सोच रहा था ये साबरमती रिवर है, पर मैंने ये देखा तो ये माही रिवर आई है ऑनलाइन गूगल मैप के द्वारा। तो ये काफ़ी बड़ी लार्ज थी। सो मैं भी लेटा था, ये मैं विंडो शूट कर रहा हूँ, कोई बीच में एयर आ रहे हैं मैम आंटी जी के। सो अभी ये आनंद जंक्शन में एंट्री कर रहा हूँ मैं। आनंद जंक्शन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जंक्शन है अहमदाबाद गुजरात के तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अमूल का सबसे बड़ा हब है, इसलिए सबसे बड़ी अमूल की क्रश है यहाँ पे। सो वो मैं शूट नहीं कर सका, मुझे पता नहीं था वो आगे, वो ये आनंद जंक्शन का एंट्री है हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है आनंद। नेक्स्ट टाइम इसी भी एक वीडियो शूट करूँगा मैं आने पे 2-4 दिन बाद, तो वो आप सही से देखना आनंद। आनंद जंक्शन को डिपार्चर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते रहे और आगे एक दृश्य देखने को मिला, काफ़ी अच्छा दृश्य था। दृश्य ये था कि जो मंदिर था उसके पास में शिवलिंग की, एक शंकर जी की मूर्ति थी, काफ़ी बड़ी थी वो, सामने थी भाई, क्या दृश्य था। और कुछ ही टाइम बाद हम लोग अहमदाबाद में एंट्री करते हैं। मैंने बस कुछ ही टाइम के लिए शूट किया क्योंकि मम्मी साथ में, तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि दिक्कत हो रही थी, सामान काफ़ी था हम लोगों के पास, तो उसका मैंने बस अंदर आते टाइम एंट्री करते टाइम अराइवल टाइम पे मैंने वीडियो शूट किया। उसके बाद घर पे जाने के बाद मैंने वीडियो शूट किया है, जो अब ये है साबरमती रिवर। जब मैं ऑटो में था तब ये साबरमती रिवर फ्रंट आया था, वो मैंने शूट किया है। उसके बाद मिलते हैं फ्रेंड्स, मैं मौसी यहाँ आ चुका हूँ और मैं अभी बाहर घूमने के लिए आया था, जंगल साइड है इधर, तो शाम को छत में मिलूँगा उनके यहाँ फ्लाइट पे। सो टाइम हो रहा है 5:15 होने जा रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सो मिलता हूँ आपको छत पर उनके। तो स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। ब्लॉग कल का चालू था, सो मैंने कहा था नाइट में वीडियो शूट करेंगे, पर मैं जल्दी सो गया और वक्त हो रहा है 8:30 बजने जा रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा व्यू है छत पर, हवा बहुत ही चल रही है यहाँ पे। तो सो आप ही सामने से दिखाता हूँ कैसा व्यू है अभी यहाँ पे। थोड़ा फॉग टाइप का आया थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, इसके वजह से ऐसा लग रहा है। तो ये तो आ भी नहीं रहे मेरे,
तो मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि कल ब्लॉग साथ में ख़त्म नहीं कर पाया था ब्लॉग, सो मिलता हूँ आपको कल और मिलते हैं आपको आगे। ठीक है गाइस बाय, मैं अभी जगह जस्ट अभी जगह हूँ, सो बाय। तो ये है MG स्टेडियम, जो जानते हैं वो बताएं कमेंट करके ज़रूर। MG स्टेडियम कहाँ है, अहमदाबाद में कौन सा MG स्टेडियम है बताइए आप लोग के लिए ये सब।